इंडियन भारती के सभी दर्शकों को स्वप्निल वर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, होली का त्योहार आ रहा है और घर में तरह तरह के पकवान बनने शुरू हो चुके हैं, लेकिन एक पकवान जिसके बिना होली का त्योहार अधूरा है वो है गुजिया। तो गुजिया कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। गुजिया दो तरह से बनाई जाती है, चाशनी वाली और बिना चाशनी वाली। तो अभी हम सिखाएंगे आपको बिना चाशनी वाली गुजिया बनाना। अगले वीडियो में आपको चाशनी वाली गुजिया बनाना भी मैं बताऊंगी। गुजिया का आटा गूंदने के लिए आधा किलो हमने मैदा लिया है। जितना हमारा खोआ है उसके हिसाब से हमें आधा किलो मैदे की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच हम डालेंगे सूजी। सूजी डालने से गुजिया बहुत क्रिस्प और खस्ता बनेगी, तो थोड़ी सी सूजी हम इसमें डालते हैं। 1 चुटकी हम डालेंगे इसमें नमक। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मीठी डिश में नमक क्यों डाला, लेकिन बस 1 चुटकी ही नमक इसमें डालना है, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आप नहीं डालना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं इसको। अब हम इसमें मोइन डालेंगे। मीठे पकवान में देसी घी का मोइन डालना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैंने ये देसी घी पिघला के रखा है। 1 कटोरी देसी घी मैंने लिया है और मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और आपको बताऊँगी कि कितना लगा है इसमें टोटल। आधा कटोरी मैंने डाल दिया है। मोइन जब भी हम मैदे में डालते हैं तो उसको चेक करने का फॉर्मूला वही है जो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मुट्ठी बननी चाहिए, तभी हमारे मैदे के पकवान खस्ता बनते हैं। तो अभी ये मोइन कम है, देखिए अभी और मोइन पड़ेगा तो मैं और डाल रही हूँ। ये पूरा 1 कटोरी हमारा मोइन इसमें पड़ गया। ये देखिए मैंने पूरा खाली कर दिया है, तब जाकर हमारी गुजिया बढ़िया बनेगी। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने मैदा लिया है उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये इस तरह से क्रमली हो चुका है। और अगर मैं इसे इस तरह से इकट्ठा करना चाहूँ तो देखिए आप कितनी आसानी से ये इकट्ठा हो रहा है। तो इतना मोइन इसमें पड़ना ही चाहिए, वरना हमारी गुजिया जो है वो खस्ता नहीं रह पाएगी। तो बस मोइन तो पड़ चुका है, अब हम पानी डालकर मैदे को गूंद लेते हैं। और गुजिया का आटा गूंदते वक्त जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी, आप अगर ये फॉलो करेंगे मेरी रेसिपी और इंस्ट्रक्शन, तो आपकी गुजिया बहुत ही बढ़िया बनेगी। इसका आटा गूंदने में ही सारे ट्रिक है, क्योंकि बहुत से लोग जब गुजिया बनाते हैं तो ये कहते हैं कि गुजिया बाद में सॉफ्ट हो जाती है पूरी की तरह, लेकिन मैं जिस तरह से बताऊंगी आप वैसे आटे गूंदिए, कभी भी गुजिया आपकी सॉफ्ट नहीं होगी, खस्ता रहेगी लेकिन पूरी जैसे नहीं होगी। तो थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, मैदा बहुत ज़्यादा पानी नहीं सोखता है। और पानी ना बहुत ठंडा लेना है ना बहुत गर्म, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी से ही इस आटे को हम गूंदेंगे। पहले थोड़ा सा हमें सख्त आटा गूंदना होता है इसका, और उसके बाद धीरे धीरे इसको मल मल के हम चिकना करेंगे और नरम करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये आटा अब इकट्ठा होने लगा है, बस और पानी अब मैं इसमें नहीं डालूंगी। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से इकट्ठा हो जाना चाहिए, इतना ही पानी हमें चाहिए। बहुत सॉफ्ट आटा हमें नहीं गूंदना है, लेकिन बहुत सख्त आटा भी नहीं होना चाहिए गुजिया का। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि बहुत सख्त आटा रहेगा तब भी बढ़िया नहीं बनेगी, लेकिन रोटी जैसा भी नहीं रखना है, तो एक मीडियम कंसिस्टेंसी का रखना है। अब ये देखिए ये सारा इकट्ठा हो चुका है, लेकिन अभी आपको ये क्रम्बली नज़र आ रहा है, तो इस तरह से ये टूटा टूटा सा है। अब हम और पानी नहीं डालेंगे, बस इसको मल मल के हम बढ़िया करेंगे। थोड़ी मेहनत लगती है इसमें, लेकिन अभी हम इसे थोड़ी देर मलेंगे। देखिए मैंने इसे और 4-5 मिनट तक मल लिया है, और ये अब आप देख सकते हैं कि डो हमारा कितना बढ़िया तैयार हो गया। ये देखिए जब भी गुजिया या कोई भी पकवान बनाए, आटा जब हम इसके लिए लगाते हैं तो आटा गूंदने में जब बिल्कुल थाली साफ़ हो जाती है और कहीं भी जब चिपकना ये बंद कर दे, तो समझ लीजिए कि आटा तैयार हो चुका है। तो ये भी हमारा तैयार हो चुका है, और आप ये देखिए ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी का ये डो है हमारा। आटा तो गूंद के तैयार हो चुका है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक कॉटन का कपड़ा हम गीला कर लेंगे और बिल्कुल साफ़ पानी से गीला करना है। जो पानी आप पीने में इस्तेमाल करते हैं वही पानी आप इस्तेमाल करें कपड़े को गीला करने में। और उसके बाद इसे अच्छे से हम इसमें रैप करके रखेंगे, चारों तरफ से ये कवर होना चाहिए हमारा जो आटा है कपड़े से, गीले कपड़े से।
जिससे कि ये कहीं से भी सूखे नहीं। इसके अंदर हमने सूजी भी डाली है और मैदा, ये सब फूल जाएगा और बहुत बढ़िया हमारा जो है डो तैयार होगा। तो कम से कम 45 मिनट्स के लिए हमें इसे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। इसके ऊपर हम एक ढक्कन लगा देते हैं जिससे कि जो गीला कपड़ा है वो भी ना सूख पाए। गुजिया की फिलिंग के लिए हमें चाहिए मावा, तो 300 ग्राम लिया है हमने मावा और 2 टेबल स्पून हमने ली है सूजी। ये सूजी डालना भी इसमें ज़रूरी है, उससे गुजिया ज़्यादा अच्छी बनती है और मावा गुजिया के अंदर एक तरफ इकट्ठा नहीं होता है। 2/3 कप हमने ली है चीनी और उसमें करीब 8-9 इलायची के दाने मैं डाल रही हूँ और इन दोनों को एक साथ हम ग्राइंडर में बारीक पीस लेंगे। आप चाहे तो चीनी अलग से पीसी हुई इस्तेमाल कर सकते हैं और लगभग 1 चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। चीनी और इलायची को हमने पीस लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डालेंगे, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो मैं किशमिश डाल रही हूँ, काजू को मैंने टुकड़ों में काट लिया है तो मैं काजू डाल रही हूँ। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं लगभग 25-30 ग्राम एक एक मेवा डाल रही हूँ इसमें। थोड़ी सी चिरौंजी के दाने डाल रही हूँ मैं इसमें, आप चाहे तो पिस्ता डाल सकते हैं इसके अंदर। नारियल भी काफ़ी लोग इसमें डालते हैं, कटे हुए नारियल के टुकड़े या नारियल का बुरादा आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं नारियल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि नारियल डालने से गुजिया की लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। मतलब जब अगर काफ़ी दिनों तक अगर आपको गुजिया रखनी है तो नारियल धीरे धीरे अपना तेल छोड़ने लगता है। तो अगर आप लंबे समय के लिए बना के रखना चाहते हैं तो नारियल का इस्तेमाल ना करें और एक आध हफ्ते में खा के ख़त्म कर देंगे तो नारियल डाल सकते हैं। अब एक पैन में हम सबसे पहले सूजी डाल के इसको भून लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत थोड़ी सी सूजी है, बस इतनी सूजी काफ़ी है क्योंकि हम सिर्फ 300 ग्राम मावा से बना रहे हैं। करीब 1 किलो मावा से अगर आप गुजिया तैयार कर रहे हैं तो सूजी की क्वांटिटी आप उस हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। मीडियम फ्लेम में इसको सुनहरा होने तक हम भून लेंगे। सूजी भून चुकी है, इसकी रंगत आप देख सकते हैं कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसमें। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब इसी पैन में थोड़ा सा देसी घी हम डालेंगे और इसमें अब हमें मेवे फ्राई करने हैं। घी मेल्ट हो चुका है तो अब मैं इसमें सबसे पहले काजू डाल रही हूँ और साथ ही साथ चिरौंजी भी डाल देती हूँ। हल्का हल्का सा फ्राई करना है हमें। किशमिश मैं बाद में डालूँगी क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है तो उसे बाद में डालेंगे हम। इन दोनों को भून लेते हैं, बस कुछ सेकंड इनको हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें किशमिश भी डाल देते हैं। लास्ट पे मैंने किशमिश डाली, आप देख सकते हैं। और किशमिश आप चाहे तो बिना तले भी डाल सकते हैं गुजिया में, लेकिन मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, बस फ्यू सेकंड्स ही तलूँगी, ज़्यादा नहीं तलूँगी इसे क्योंकि हमें कोई भी मेवा जलाना नहीं है। ये मेवे भी फ्राई हो चुके हैं, किशमिश फूलने लगी है थोड़ी थोड़ी, देख सकते हैं आप। ये किशमिश के दाने आप देखिए, ये देखिए थोड़े से फूलने शुरू हो जाते हैं। काजू हल्का ब्राउन हो चुका है तो बस अब इसे निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम मावा यानी कि खोआ डाल देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हम इस खोए को भूनेंगे। वैसे ये घर का बना हुआ खोआ है तो ऑलरेडी ये थोड़ा सा भुना है, इसकी रंगत आप देख सकते हैं, लेकिन इसको हम और थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। थोड़ी सी सोंधी सोंधी सी इसमें खुशबू आनी चाहिए। खोआ पिघल चुका है आप देख रहे हैं और इसको मैं लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। और लगातार चलाते हुए भूनना ज़रूरी है वरना खोआ कहीं से भी अगर इसमें चिपक गया या लग गया तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो खोआ जलना नहीं चाहिए इसलिए इसे चलाते रहेंगे। ये हमारा मावा अच्छे से भून चुका है, ये देखिए इसकी रंगत आप देख सकते हैं। अब हम इसमें जो हमने मेवे फ्राई करके रखे हैं वो ऐड कर देते हैं। बिल्कुल आँच मैंने धीमी रखी हुई है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे लेकिन अभी खोए को यानी कि मावे को इसमें से शिफ्ट नहीं करेंगे। गरम कढ़ाई में ही इसे धीरे धीरे और भुनने देंगे और जो सूजी जो भून के रखी वो भी ऐड कर देते हैं। गरम मावे में ही हमें सूजी को ऐड करना होता है जिससे कि मावे की गर्मी से सूजी भी पक जाएगी और अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाएगी। अभी हम चीनी नहीं डालेंगे इसमें बिल्कुल भी, आपने देखा होगा चीनी नहीं डाली मैंने। चीनी अगर अभी हम डाल देंगे तो हमारा जो ये मावा है वो कड़ा हो जाएगा क्योंकि चीनी मेल्ट हो जाएगी और फिर ठंडा होने पर सख्त हो जाएगी। तो जब ये बिल्कुल गुनगुना रह जाएगा तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। लगभग 2-2.5 मिनट मैंने इसे गर्म कढ़ाई में ही और चला लिया है और अब मैं इसे एक बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी और थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करूंगी।
अब ये काफ़ी ठंडा हो चुका है, गुनगुना रह गया है, और इसमें अब हम चीनी और इलायची का पाउडर जो हमने तैयार किया वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कोई गुठली हो तो उसे भी तोड़ लेंगे। और ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो फिलिंग का मटेरियल तो हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब मैं ये ढक्कन खोल रही हूँ और कपड़ा हटाकर आटे को इसमें से बाहर निकालेंगे। ये देखिए कितने अच्छी तरह से ये फूल चुका है। बस एक बार इसको हम ऐसे मल लेंगे और उसके बाद इससे हम गुजिया बनाना शुरू करेंगे। आटे को हमने मल के तैयार कर लिया है। अब जितना आटा हम इस्तेमाल करेंगे लोइयां तोड़ेंगे, बस उतना हम निकालेंगे और बाकी को गीले कपड़े से हम लगातार ढक के ही रखेंगे जिससे कि आटा सूख ना जाए। थोड़ा सा पोर्शन मैंने निकाल लिया है और उसको इस तरह से हम किसी चकले पर थोड़ा सा गोल कर लेंगे और उसके बाद इक्वल साइज़ की लोइयां तोड़ लेंगे। गुजिया की लोइयां बहुत बड़ी बड़ी नहीं तोड़ी जाती हैं, छोटे आकार की ही पूड़ियाँ हमें बनानी होती है, तो लेमन साइज़ की नहीं बल्कि उससे थोड़ी छोटी ही हमें बनानी पड़ेगी बॉल। अब हम एक एक लोई को इस तरह से एक पेड़े का आकार देंगे। और गुजिया को कई तरह से बनाया जा सकता है, आप इसे किसी कटर की सहायता से काट सकते हैं या हाथ से भी इसे डिज़ाइन बना के बना सकते हैं बिना किसी सांचे के। कई तरह के सांचे आते हैं, कई तरह के डिज़ाइन वाले, तो मैं आपको दोनों तरह से बताती हूँ कि कटर से भी काटना बता देती हूँ और बिना सांचे के भी बता देती हूँ। तो अगर हम कटर से काटेंगे तो हमें इसको बस बेलना ही होगा और अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना है, मतलब इसे किसी कटोरी से मैं साइज़ शेप नहीं करी क्योंकि कटर में हम जब रखेंगे तो सब एक साइज़ की बनेगी। गुजिया के लिए हम जो एक पूड़ी बेलेंगे वो ना बहुत मोटी होनी चाहिए ना बहुत पतली होनी चाहिए। और ये देख लीजिए आप, जैसे एक करीब करीब एक पूड़ी की तरह ही हमें बनाना होता है। चारों तरफ से इसे एक समान ही बेलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से मोटा हो कहीं से पतला हो। गुजिया के काफ़ी तरह के सांचे होते हैं, ये एक बड़ा कॉमन सा सांचा है जो सभी के पास होता है और ये एक बहुत ही पुराना सांचा है, मेरे पास है ये, आजकल शायद नहीं मिलता है, करीब 40-50 साल पुराना सांचा मेरे घर में रखा है, पीतल का है ये। मैं इससे ही बना के दिखाऊंगी आपको, ये बहुत ही बढ़िया गुजिया काटता है। तो सबसे पहले ये जो हमने पूड़ी बेली है उसे उठाकर हम हाथों में रख लेंगे, उसके बाद सेंटर में फिलिंग का मटेरियल डालेंगे, तो 1 चम्मच 1.5 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि गुजिया फटनी भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। और साइड्स को इस तरह से हम खाली रखेंगे। अब साइड्स में हमें क्या करना है कि पानी लगाना है, सादा पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा 1.5 चम्मच मैदा पानी में घोल के रखा है और इससे जब हम चिपकाते हैं तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो मैं इसका प्रयोग करूँगी। और आप चाहे तो हाथ से लगा सकते हैं, चाहे तो किसी बर्ड से भी लगा सकते हैं, अगर इस तरह से एक बर्ड भी यूज़ कर सकते हैं आप लगाने के लिए, थोड़ा सा कॉर्नर कॉर्नर में जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे लगा लीजिए। बस बिल्कुल किनारे पे मैंने लगाया। अब एक साइड से इसे उठाएंगे और दूसरी साइड पे ले जाकर ऐसे चिपका देंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से चारों ओर से प्रेस करते हुए हर तरफ से इसे चिपकाएंगे हम। देखिए किनारों को पतला करते जाएंगे चिपकाने के लिए इस तरह से, जिससे कि ये जब हम तलेंगे तो कहीं से भी खुले ना, तो इसका ध्यान रखना है, चिपकाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अच्छी तरह से ये चिपकना चाहिए। हर तरफ से मैंने चिपका दिया, ये देखिए अच्छे से चिपक चुका है ये। अब उसके बाद मैं ये जो सांचा है इसके ऊपर रख के इसे काटूंगी। आपके पास जैसा भी सांचा हो उस पर आप काट सकते हैं, और वैसे ट्रेडिशनली इसको बंद करके काटते हैं लेकिन मैं ऐसे ही काट रही हूँ जैसे कि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। तो मैं इसे इस तरह से दबा के इसे काट दूंगी और एक्स्ट्रा पोर्शन इसमें से निकाल देंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये गुजिया बनके तैयार हो चुकी है। गुजिया को बना के तुरंत नहीं फ्राई करना चाहिए, अगर हम तुरंत फ्राई करने की कोशिश करेंगे तो इसमें बबल्स भी पड़ेंगे क्योंकि अभी ये आटा सॉफ्ट है, तो इसे हमें कुछ देर हवा लगने देना चाहिए और उसके बाद इसे फ्राई करना चाहिए, तो लगभग 10 से 15 मिनट के बाद ही इसे फ्राई करना चाहिए। तो काफ़ी सारी गुजिया बनती है तो एक साथ बनाते चले जाएं और उसके बाद जो हमने शुरू शुरू में भरी होती है उसे पहले तलना शुरू करते हैं, इस तरह से रोटेशन में इसे तलते चले जाएंगे। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास कोई सांचा नहीं है तब भी आप बहुत बढ़िया गुजिया किस तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल पहले की तरह से मैंने इस बार भी बेल लिया है
और इस तरह की कोई कटोरी या कटर से इसे हम काट भी सकते हैं, जिससे कि हमारी सभी गुजिया एक साइज़ की बन के तैयार होंगी, कोई छोटी कोई बड़ी नहीं होगी। देखिए मैंने इसके सेंटर पोर्शन को अलग कर दिया और ये कॉर्नर्स को मैं निकाल लेती हूँ और इसे आटे में मिला देती हूँ, इसे हम रीयूज़ करेंगे। अब बिल्कुल सेंटर में हम उसी तरह से फिलिंग रखेंगे, 1-1.5 चम्मच जितनी आपको रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटी सी मेरी गुजिया है, मैंने मीडियम साइज़ की कटोरी से काटी है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसे साइज़ की आपकी कटती है। सेंटर में कर लेंगे इसको, कॉर्नर्स थोड़े से हम खाली रखेंगे और कॉर्नर्स पे पानी लगाएंगे हम। तो मैं बर्ड्स की सहायता से लगा रही हूँ, इस तरह से चारों तरफ से हम पानी लगा देंगे, जिससे कि हमारी गुजिया बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगी। और बस इसको हम उठाएंगे, देखिए मैं कैसे उठा रही हूँ इसको, दोनों साइड से ऐसे उठाया, सबसे पहले बीच में से चिपका दिया, और बस कॉर्नर्स पे भी अच्छे तरह से सब तरफ से इसको हम सील कर देंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे। गुजिया बिल्कुल खुलनी नहीं चाहिए। और दबा दबा के अब हम इसके किनारों को बिल्कुल पतला कर लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, तभी डिज़ाइन बढ़िया बनेगा। तो देखिए इस तरह से किनारों को पतला करते जाएंगे और थोड़ा सा बढ़ा भी लेंगे। अब डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे, तो एक साइड से शुरू करेंगे, देखिए इस तरह से मैंने मोड़ा और बस अंगूठे और उंगली की सहायता से बस इसी तरह से मोड़ते जाएंगे आगे की ओर, चिपकाते चले जाएंगे। कोई मुश्किल डिज़ाइन नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसे कर सकते हैं। बस देखिए कितनी आसानी से बस डिज़ाइन अपने आप आगे बढ़ता चला जा रहा है। अंगूठे से उठाते हैं और आगे की ओर दबा देते हैं, बस ये देखिए बनता चला जा रहा है। बस मैं एंड पे पहुंची और एंड को कैसे बंद करना ये भी बताती हूँ। और एंड पे आने के बाद ये जो कॉर्नर है इसे अंदर की ओर ऐसे दबा देंगे, टाइटली प्रेस कर दिया, तो ये गुजिया बनकर तैयार हो गई। तो आप देख सकते हैं कि बिना सांचे की भी बहुत बढ़िया गुजिया बनकर तैयार हो सकती है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट हो वैसे बनाइए। गुजिया तलने के लिए हमें बहुत गर्म तेल नहीं चाहिए, हम लो फ्लेम में ही गुजिया को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पोर्शन हम डाल के देखते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आ रहे हैं, तो हमारा जो घी है वो अच्छा गर्म हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब हम इसमें गुजिया फ्राई करने डालेंगे और एक बार में सिर्फ एक गुजिया हमें नहीं तलनी है, एक साथ हमें काफ़ी सारे डालने चाहिए, तभी ये अच्छे से तलाती है। तो इस तरह से डालती जाऊँगी मैं, थोड़े से सिकने के बाद इन्हें पलट देंगे। गुजिया को थोड़ा सा दबा दबा के ही फ्राई करना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर ऊपर की ओर आती रहती है, बिल्कुल हल्की होके, तो हमें थोड़ा सा बीच बीच में से दबाना भी पड़ता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीडियम फ्लेम पर ही इसको तलना चाहिए, जिससे कि अंदर तक ये अच्छे से खस्ता होकर सिक जाए। अगर तेज आंच पर हम सेकेंगे इसको तो ऊपर से जल्दी जल्दी सिक जाएगी और अंदर तक खस्ता नहीं हो पाएगी, तो गुजिया को अच्छा खस्ता होना चाहिए। और गुजिया ऐसी होनी चाहिए कि ठंडे होने के बाद भी खस्ता की खस्ता रहे, वो बिल्कुल पूरी की तरह नरम नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से आज मैंने आपको सिखाया है, आप अगर सही तरीके से इसी तरह से बनाएंगे आटा गूंदने से लेकर गुजिया फ्राई होने तक, तो आपकी गुजिया भी कई दिनों तक सॉफ्ट नहीं पड़ेंगी। और गुजिया तो हम लोगों के घरों में जब बनती हैं तो बल्क में बनाई जाती है बहुत सारी, तो 10 से 15 दिन तक आराम से गुजिया खाई जाती है, तो तब तक ये खस्ता और करारी रहती हैं। ये गुजिया बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल गोल्डन रंगत आ गई है, देखिए। तो अब इसे निकालेंगे, तो थोड़े से इसे निकाल के ऐसे हल्का सा निथार लेंगे, जिससे कि ऑयल इसमें से निकल जाए। और गुजिया को एक थाल में रखेंगे, उस पर मैंने मोटा कागज़ बिछाया है, पतला टिश्यू पेपर नहीं बिछाना है, इस बात का ध्यान रखें, वरना गरम गरम गुजिया में कई बार टिश्यू पेपर चिपक जाता है और फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। ये नॉर्मल A4 पेपर जो हम यूज़ करते हैं लिखने पढ़ने के लिए, ये वही पेपर है, थोड़ा मोटा होता है ये कागज़, मैंने वही वाला बिछाया है। तो लीजिए तैयार है होली की स्पेशल डिश, मीठी मीठी खस्ता स्वादिष्ट गुजिया। इसको पूरी तरह से ठंडा होने के बाद आप किसी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं और 15 से 20 दिन तक आराम से खा सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा व्यंजन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल व्यंजन भारती को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन हिट करते वक्त बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर हिट करें, और उसके अंदर एक ऑप्शन आपको नजर आएगा ऑल नोटिफिकेशन, उसे भी जरूर हिट करें, जिससे कि हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।